क्या जो टीचर हैं उसके बच्चे नहीं हैं, उसके अपने बच्चे हैं? उसको एक बार आके देखे कि मेरे बच्चे की हालत क्या है, फिर मैं पूछूं कि वो टीचर है या कि कोई गुंडा है वहाँ पे? दिल दिमाग है उसमें? उसको बनाया किसने टीचर? उसमें एंट्री किसने करने दी उसको? जिस तरह से आज इस पे हमला हुआ, अगर आप भी नहीं होते सर, बच्चा हमारा खत्म था। इतनी बुरे तरीके से हमला हुआ हम पे। मैंने पढ़ने के लिए एक बार पहले मारा उसने, एक बार पहले मॉर्निंग में मारा, और दूसरी बार जब ये मतलब आया ना वापस एग्जाम देके, तो दूसरी बार फिर से इस पे हमला किया। MAM कॉलेज, ये फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं MAM कॉलेज के, और इनकी जो आप कंडीशन देख रहे हैं ये आज कॉलेज के अंदर हुई है, और इनके ऊपर और इनकी फैमिली के ऊपर कॉलेज में हमला हो जाता है। बात बिल्कुल छोटी सी थी, इन्होंने गाड़ी लगाई, एक टीचर आते हैं वो इनके ऊपर इनको चांटा लगाते हैं इनके ही मुताबिक, और उसके बाद वहाँ पर बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। इनकी मदर, फादर और ये खुद लड़का यहाँ पर है जो इस टाइम बड़ी बुरी तरह से इंजर्ड है। आपका नाम क्या है, आपके बेटे का क्या नाम है? मेरा नाम रीटा है और ये आदित्य है सर, फोर्थ सेमेस्टर। क्या बात हुई, पूरी बात बताओ सर। इसका एग्ज़ाम था आज, इसके इसने गाड़ी लगाई पार्किंग में गेट के पास, तो रॉन्ग साइड भी नहीं है वो, अभी गाड़ी हमारी वहीं पे लगी हुई है, तो इसने चौकीदार ने खुद लगाई वहाँ पे गाड़ी, तो ये चला गया। चौकीदार ने बोला, इसने बोला चाबी, कहते नहीं कोई बात नहीं बेटा आप ले जाओ, ये चला गया। एग्ज़ाम दे के वापस आता है ये, तो वहाँ पे सर खड़े थे, कोई संजय नाम है उनका, वो खड़े थे, तो उन्होंने बोला आपने गाड़ी यहाँ पे क्यों लगाई? इसने बोला सर मैंने, चौकीदार ने मुझे बोला कि गाड़ी लगाने के लिए यहाँ पे, तो उसने कुछ नहीं सुना, उसने सीधा इसको थप्पड़ लगा दिया। तो बेटा हमारा रो रहा था, इसने हमें फ़ोन किया, मैं कहा ऐसे क्यों, मतलब किसने मारा? तो हम जाते हैं प्रिंसिपल के साथ, गए हम प्रिंसिपल के रूम में गए, तो वहाँ पे आते हैं वो, हमने उनको पूछा कि सर क्या बात हुई, तो सर गर्मी में आ गए, सर कहते क्या हुआ मैंने थप्पड़ लगा दिया, तो पार्किंग में लगाई थी, रॉन्ग पार्किंग थी वहाँ पे लगाई थी आपने गाड़ी बेटे ने, तो मैंने लगा दिया थप्पड़, तो क्या हुआ आपने मारा मेरे को, लो मारो मेरे को। सर प्रिंसिपल भी सामने थे, उनके सामने की बात है, तो वो अपनी सीट से उठ के हमारे पास आ गए कि आपने मारना हमें, हमने कुछ नहीं बोला, हमने कोई बात नहीं, हम आ गए वहाँ से। हम जैसे गेट से बाहर निकलने लगे, तो वहाँ से एक स्टूडेंट आता है, एक सरदार आता है, उनके पास तलवारें थी, रॉड जी, उन्होंने गेट बंद करवा दिया, ठीक है, उनके पास तलवारें थी, रॉड थी लोहे की, तो उन्होंने गेट बंद करवा दिया, तो हमें हमला कर दिया सर। ये लड़के कौन थे, स्टूडेंट हैं ये? स्टूडेंट ही थे सर, उनके पास और भी मतलब 5-7 लड़के थे उनके साथ, और भी हम उनको जानते नहीं है। टीचर साथ में? टीचर था और एक लड़का और भी है, आर्यन सलाथिया। शुरुआत तो उसने की, पहले तलवार पकड़ी थी उसने, तो उसने इस पे हमला किया और मैं भी इसके ऊपर पड़ गई, तो मुझे सर वो टीचर देख रहा था और ये सब कुछ होता था, साथ ही था वो सर। सर ये टीचर्स की ये हालत है, तो हम मतलब अपने बच्चों को कैसे भेजेंगे? क्या नाम है टीचर का? सर संजय कुछ, संजय सिंह सरदार है वो। अच्छा। हाँ हम पूछने जाते हैं उनको, तो उसने भी हमारे साथ मतलब इसके ऊपर भी हमला किया और आपके ऊपर जी भी। सर मेरी शर्ट मुझे मतलब इंटरनली बहुत सारी लगी हुई है, ब्लर लगा हुआ मुझे, अभी मैम ने साफ किया है। तो कॉलेज के प्रिंसिपल से कोई आए आपके पास यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं आया वहाँ से, स्कूल से, कॉलेज से हमारे पास कोई नहीं आया। हाँ मैं था, मैंने गाड़ी टर्न की ना जैसे ही। अच्छा। तो गाड़ी में बैठा था मैं, तो 5-6 लड़कों ने आके तो गेट बंद कर दिया, पीछे से उसने वाई मारी सर ने, संजय ने, कि गेट बंद करो उनको बाहर नहीं जाने देना। तो मेरे गाड़ी से निकलते है वो लड़के पड़ गया हथियारों से, और इसको मारना स्टार्ट था। ये टीचर ने कहा कि गेट बंद कर दो, टीचर इनको बाहर नहीं जाने, टीचर ने बोला कि इनको जाने नहीं दो, इनको मारो, ठीक है। टीचर के ही कहने पे उन्होंने हमला किया है। अच्छा। हाँ जी, काफ़ी स्टूडेंट थे वहाँ पे, कम से कम 200-400 स्टूडेंट थे। वो लड़के हैं क्रिमिनल हैं, उनके आगे मैंने पता किया अभी, उनके ऊपर पहले भी FIR वगैरह चल रही हैं, वो वहाँ के कोई प्रेसिडेंट वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो हम चुप करके अपनी गाड़ी वापस करके जब निकल रहे थे, गेट बंद किया, और वहाँ पे पुलिस की अंदर फ्लाइंग लगी हुई थी, जहाँ पे पुलिस तैनात थी, जो अपनी कुर्सियों से उठ के भी नहीं आई कि लड़ाई हो रही है, कि हम इनको रोकते हैं या कुछ कर। बच्चा हमारा आज खत्म था, ठीक है, मैंने इसको पढ़ने के, अगर हम नहीं होते तो बच्चा हमारा जान से गया था आज, ठीक है। ये टीचर है कि कोई गुंडा है जो ऐसे, ये हम वही तो हम पूछने आए कि ये क्या है? जब टीचर्स ही ऐसा करेंगे तो फिर स्टूडेंट्स ऐसे ही स्टूडेंट्स फिर बनते हैं ना, जनरेशन फिर कैसे हो रही है वो। लड़के की एक बार आप कंडीशन देख लीजिए, बहुत बुरी तरह से इनके सिर पर चोट आई है, और जैसा फैमिली ने कहा है कि जो टीचर है
टीचर ने ही जो है ये कहा कि बाकी स्टूडेंट्स को गेट बंद कर लो, और वहाँ से हथियार लेकर वहाँ पर आए और इनके ऊपर हमला किया, इनकी मदर के ऊपर हमला किया है। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया होगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि ऐसे टीचर के ऊपर भी कार्रवाई हो और उन लड़कों पर भी कार्रवाई हो जिन्होंने इस लड़के के ऊपर इतनी बुरी तरह से जो है हमला किया है। और कंडीशन इस लड़के की अभी सही नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है, डॉक्टर्स पूरी तरह से जो हैं इनकी इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आप क्या इंसाफ चाहते हैं? सर इंसाफ यही चाहते हैं हम कि टीचर्स को पूछा जाए, ठीक है, कार्रवाई चाहिए हमें, और उस ठीक है सस्पेंड चाहिए मुझे वो टीचर, और वो जो स्टूडेंट है ना वो शुरुआत जिसने इसने लगाई है उस बच्चे को भी मुझे वो चाहिए, उसके ऊपर भी, वो तो कॉलेज में पढ़ना नहीं चाहिए किसी भी, उसको रेस्टिकेट किया जाए। सर हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारे बच्चे के साथ जो हुआ ना, हम नहीं चाहते कि ये दोबारा किसी और बच्चे के साथ हो। जो बच्चे पढ़ने की बजाय वहाँ पे गुंडागर्दी करने आते हैं ना, उनको वहाँ से जूते मार के बाहर निकालना चाहिए और पुलिस की सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर। क्या जो टीचर है उसके बच्चे नहीं है? उसके अपने बच्चे हैं, उसको एक बार आके देखे कि मेरे बच्चे की हालत क्या है, फिर मैं पूछूं कि वो टीचर है या कि कोई गुंडा है वहाँ पे, दिल दिमाग है उसमें, उसको बनाया किसने टीचर, उसमें एंट्री किसने करने दी उसको? जिस तरह से आज इस पे हमला हुआ, अगर आप भी नहीं होते सर, बच्चा हमारा खत्म था, इतनी बुरे तरीके से हमला हुआ हम पे। मैंने पढ़ने के लिए एक बार पहले मारा उसने, एक बार पहले मॉर्निंग में मारा, और दूसरी बार जब ये मतलब आया ना वापस एग्जाम देके, तो दूसरी बार फिर से इस पे हमला किया। MM कॉलेज जी, ये MM कॉलेज है जिसमें लगातार इस तरह की लड़ाइयाँ और गुंडागर्दी रोज चल रही है। एक टीचर है जिसके कहने पर ये स्टूडेंट्स जो हैं हमला करते हैं इस लड़के पर, इसका नाम आदित्य भगत है, फोर्थ सेमिस्टर का स्टूडेंट है। मैं प्रिंसिपल MM कॉलेज से भी कहूँगा कि जल्द से जल्द ऐसे टीचर के ऊपर कार्रवाई करें। अगर तो प्रिंसिपल भी कार्रवाई करने में असमर्थ है, तो मैं LG साहब से कहूँगा कि इस प्रिंसिपल के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए अगर वो इस टीचर के ऊपर कार्रवाई नहीं करते। और जिन बच्चों ने ये काम किया उन सबको रेस्टिकेट करना चाहिए जिन्होंने एक लड़के के ऊपर इस तरह से हमला किया, और पुलिस से भी कहूँगा कि इनके ऊपर FIR दर्ज हो। धन्यवाद। राम राम।